हेलो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, वेलकम टू द चैनल शिवम इंग्लिश। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक की थर्ड पोयम ए टाइगर इन द जू। पोइट हैं लेसली नॉरिस। पोयम में 4-4 लाइंस के 5 स्टेंजाज हैं। बात करें पोयम की थीम की तो पोइट ने दो टाइगर्स की लाइफ को आपस में कंपेयर किया है, एक वो टाइगर जो जंगल में है और एक टाइगर जो जू में है यानी चिड़ियाघर में। आइए पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहले स्टेंजा में हम उस टाइगर को देखेंगे जो जू में है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। यहाँ पर टाइगर को ही प्रोनाउन दिया गया है, तो पोइट का कहना है कि टाइगर पिंजरे के अंदर चल रहा है और उसकी खाल बहुत ही चमकदार है, और चूंकि वो पिंजरे के अंदर है तो वह कुछ कदम ही चल पा रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। इस टाइगर के जो तलवे हैं वो इतने सॉफ्ट हैं क्योंकि जंगल की रफ जमीन से उसका कोई वास्ता नहीं है। उसके तलवे सॉफ्ट होने की वजह से उसके चलने की आवाज तक नहीं आ रही है और उसका गुस्सा भी शांत है। यह था फर्स्ट स्टेंजा जिसमें पोइट ने हमें उस टाइगर के बारे में बताया है जो जू में है। अब सेकेंड और थर्ड स्टेंजाज में जानिए कि वास्तव में एक टाइगर को कैसे होना चाहिए अगर वो जंगल में होता है तब। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। बल्कि उसे तो होना चाहिए कहीं लंबी लंबी घास के सहारे खिसकते हुए, अपने शिकार पर घात लगाते हुए। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। उसे होना चाहिए कहीं पानी के स्रोत के पास जहां मोटे ताजे हिरन पानी पीने आते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। और उसे तो कहीं जंगल से लगे घरों के आसपास दहाड़ते हुए होना चाहिए। वेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स His claws terrorizing the blaze। और उसे तो होना चाहिए कहीं गांव के पास अपने सफेद दांतों और पंजों की सहायता से वहां पर आतंक फैलाते हुए। अब फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजाज में पोइट वापस उस टाइगर की दशा दिखाते हैं जो चिड़ियाघर में है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। लेकिन टाइगर तो ईंट पत्थर के बने पिंजरे में कैद है और उसकी स्ट्रेंथ भी उसी पिंजरे में कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। वो तो बस अपने पिंजरे में इधर उधर चल रहा है और आते जाते लोगों को इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट बॉयज एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। अब रात के समय उसे एक आखिरी आवाज सुनाई देती है और वो आवाज है सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ियों की जो सब कुछ चेक करते हुए इधर उधर जा रहे हैं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और अब जब कोई भी नहीं है तब वो अपनी चमकदार आंखों से आसमान के चमकते हुए तारों को देख रहा है, मानो कह सकते हैं घूर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इस पोयम का दी एंड होता है। डू टेल मी इन कमेंट बॉक्स व्हाट यू थिंक अबाउट द एनिमल्स ऑफ द जू। थैंक यू। जय हिंद।